नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे केतु के रहस्य के बारे में। राहु के रहस्य पर हम चर्चा कर चुके हैं, आज आपको बताएंगे कि केतु का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और अगर केतु का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर है तो इसकी समस्या से कैसे निपटा जाए। देखिए, राहु और केतु में बड़ा गहरा संबंध है। राहु जहाँ होता है उसके ठीक सामने सप्तम भाव में हमेशा केतु विद्यमान होता है। राहु ज़्यादातर निगेटिव परिणाम पैदा करता है और केतु ज़्यादातर शुभ परिणाम पैदा करता है। राहु एंटी कैटलिस्ट है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी ताकत को कमज़ोर कर देगा और केतु कैटलिस्ट है, जिसके साथ बैठेगा उसकी ताकत को बढ़ा देगा। अगर सूर्य के साथ केतु बैठता है तो सूर्य की शक्ति बढ़ती है, मंगल के साथ बैठता है तो पराक्रम बढ़ता है, बुध के साथ बैठता है तो बुद्धि बढ़ती है, बृहस्पति के साथ बैठता है तो ज्ञान बढ़ जाता है, शुक्र के साथ केतु बैठता है तो विलासिता और ग्लैमर बढ़ता है, शनि के साथ केतु आध्यात्मिक सफलता प्रदान करता है। केतु का जो संबंध होता है वो देवी देवताओं से, मुक्ति मोक्ष से और तीर्थ स्थानों से होता है। इसलिए अगर कुंडली में केतु प्रबल होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म स्थानों की यात्रा करता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है और कभी कभी केतु वाले बड़ा गहरा ध्यान करते हैं ईश्वर की उपलब्धि पाने के लिए। केतु अगर निगेटिव होता है तो आदमी को स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या परेशान करती है, उसके त्वचा पर चकत्ते चकत्ते जैसे ब्लैक स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं। केतु परेशान करता है तो बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, किडनी की, यूरिन की, प्रोस्टेट की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। केतु अगर निगेटिव होता है तो व्यक्ति की नींद अच्छी नहीं होती और बार बार नींद में डरावने सपने दिखाई देते हैं। केतु अगर नकारात्मक होता है तो व्यक्ति बेवजह चिंता में डूबा रहता है और ज़्यादातर चीज़ों का निगेटिव पक्ष, नकारात्मक हिस्सा ही उसको समझ में आता है। अब मान लिया कि केतु आपकी कुंडली में निगेटिव है, केतु की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आप केतु की वजह से परेशान हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम करिए कि अगर केतु की वजह से परेशान हैं तो रोज़ सवेरे श्वेत चंदन का, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं अपने माथे पर या अपने कंठ पर, पहला काम। दूसरा काम, अगर केतु की वजह से परेशान हैं तो जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करना शुरू करें। अगर गंगा जल से नहाने का सुअवसर प्राप्त है तो सप्ताह में एक बार नदी में जा करके गंगा नदी में स्नान करें। तीसरा काम, चांदी और सोना बराबर मात्रा में मिलवा करके एक छल्ला बनवा लें और इसको मंगलवार के दिन दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सुबह के समय पहन लें, इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर केतु निगेटिव है तो आप कोशिश करें कि मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें और भोजन जब भी करें पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके करें तो आपके लिए शुभ होगा। केतु की मारक दशा चल रही है या केतु की स्थिति मारक बनी हुई है तो ऐसी दशा में भगवान गणेश को रोज सुबह दूर्वा अर्पित करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, इससे केतु संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और केतु की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि केतु जब बीमारियां देता है तो पहले कई दिनों तक केतु की बीमारियाँ पकड़ में नहीं आती। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है और केतु की दशा चल रही है, बीमारी समझ में नहीं आ रही है, तो अपने यूरिन के या शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन की जांच जरूर करवाइएगा, क्योंकि केतु की निगेटिव दशा में शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि केतु की दशा चलने पर लहसुनियाँ यानी कैट्स आई पहन लेते हैं। अगर केतु कुंडली में शुभ है, अच्छे परिणाम दे रहा है तो केतु की दशा में लहसुनियाँ पहन सकते हैं, लेकिन अगर केतु कुंडली में निगेटिव है, केतु कुंडली में अशुभ है तो भूल कर भी केतु की दशा में लहसुनियाँ मत पहनिएगा, नहीं तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। तो प्लेनेट पांडे में आज के अंक में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपको याद दिला दूं कि रविवार को सुबह 12 बजे हम आपके साथ हाजिर होंगे
और लाइव जुड़ करके आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। पिछले हफ्ते जो हमने लाइव किया था उसके नीचे के कमेंट बॉक्सेस में आपने सवाल भेजे हैं, उसमें से बहुत सारे सवालों का उत्तर आज रात तक बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा। तो फिलहाल धर्म और ज्योतिष की तमाम जुड़ी हुई जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल प्लैनेट पांडे और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।